मूवीज में सिर्फ इस तरह के सीन देखे थे मैंने, तो रियल लाइफ में पहली दफा ही विंटर में इस तरह की चीजें की। हमें रास्ता तो बहुत मुश्किल था लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे। द ट्रैक इटसेल्फ वाज वेरी एडवेंचरस एंड वी रियली एंजॉय। शदीद धुंध, बेतहाशा सर्दी, इसमें गर्म बिस्तर को छोड़ के मॉर्निंग वॉक। अगर आप एक माउंटेन लवर हैं और पहाड़ों से इश्क करते हैं तो ये सब आपको करना पड़ता है। ये बात है नवंबर 2017 की। एक दिन मैं गूगल पे बैठा कुछ न्यू एरियाज़ को सर्च कर रहा था कि एक ट्रैक ने मुझे बहुत फैसिनेट किया। ये ट्रैक शिंगारी से मुंडी और मुंडी से सोनी गली के ज़रिए अलाई को जा रहा था। अलाई जिसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी और कोस्तान से टच होने की वजह से लोग यहाँ जाने से कतराते थे, और ऐसे किसी भी इलाके में प्रोफेशनल तरीके से किसी टीम को ले जाना इंतहाई मुश्किल और जिम्मेदारी का काम होता। इसके लिए मुकामी लोगों से एक मजबूत तल्लक चाहिए। चुनाचे मैंने इस इलाके की एक रैकी का प्रोग्राम बनाया, मानसरा से नैया शहजाद को कॉल की और हम दोनों नवंबर में एक रैकी टूर करने गए। अच्छा, और इसी रिज पे ये साथ आ गई, वो छोटी सी कौन सी है? हमारा रूट कौन सा होगा? हम चाहते हैं कि मुंडी से हम आए तो ये जो जगह है ये हमारा फर्स्ट नाइट स्टे होगा विंटर ट्रैक के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम मुंडी रोड से ये राह वाली छंज तक कितना टाइम लगता है? टाइम तो थोड़ा ही लगता है, उसे प्यार से लगता है, रास्ता पड़ा हुआ दो त्रे घंटे लगो। अब इधर से हमें टाइम कितना लगेगा गंगवाल के लिए? क्या पता है, उल्टे पता नहीं, हम भी 25-23 साल पहले आए हैं, उस वक्त क्या पता कितना टाइम लगे। बारह से 14 दिसंबर तक सीरिया में शदीद स्नोफॉलिंग हुई, जिसको देखते हुए हमने विंटर ट्रैक के लिए 1 दिसंबर की डेट फाइनल की। मंडा गच्छा, पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा प्यारा सा गांव। प्रोग्राम के मुताबिक हमें इधर नाश्ता करना था, दो पोहा लेने थे और वापस मुंडी जाना था जहां से हमारा ट्रैक शुरू होना था। मेरा नाम सदाकत है मंडागुच्छा। मेरा नाम आदिल शाह मंडागुच्छा। साफ नाम है। किधर से हो? मंडागुच्छा जी। तो इस वक्त हम मुंडी में हैं। मुंडी से हमने दो मजीद पोर्टल लेने थे, हमें टोटल 6 पोर्टल की ज़रूरत थी। दो पोर्टल हम मंडागुच्छा से ले आए थे, दो अलाई से आए थे। और मगर इधर एक मसला हो गया, मुंडी से जो हमने पोर्टल लेने थे उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। मुंडी वालों का ख्याल था कि इतनी शदीद स्नो में सोनी गली क्रॉस नहीं हो सकती,
बल्कि मुंडी के लोगों ने हमें पलपुडे से, शेर से, जीप से डराने की बहुत कोशिश की कि बर्फ में उनको वो इंसानों का शिकार करते हैं, इंसानों का पीछा करते हैं। मगर हमने तो ये ट्रैक करना था। इन चीज़ों से अगर हम डरने वाले होते तो ट्रैक पे आते ही क्यों। तो हालात मुश्किल ज़रूर थे, मगर मैं कॉन्फिडेंट था कि हम फिर भी ये ट्रैक कर सकते हैं। मेरे इत्माद की वजह थी सोनी गली की लोकेशन। अलाई वाली साइड शेड में है, धूप नहीं पड़ती, मगर बहुत स्टीप है। स्नो के बगैर इधर से डिसेंडिंग इंतहाई मुश्किल होती। और सिरन वाली साइड जो थी वो सूर्य की तरफ है, स्नो बहुत तेज़ी से पिघलती है। हमें स्नो फॉलिंग के बाद 7 दिन का वक्फा मिल गया और मुझे उम्मीद थी कि हम एक दफ़ा अगर सोनी गली के टॉप पे पहुंच गए किसी ना किसी तरह, तो अलाई की तरफ जाना हमारे लिए यकीनन बहुत आसान होगा। मंडा गच्छा से 2 पोर्टर आ गए हैं और हमने भी अपने सफ़र का आगाज कर दिया। और ये है सोनी का सर जिसको हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हाथ पकड़ो, हाथ इस पे गिरा, हाथ इंजरी हो गया। इन्ना कदी यारा कोला कुछ भी नहीं मंगिया, ओ पिया जाना वेखो बर्फा लडंगे आ। नाले के साथ जाना था हमने और 3-4 किलोमीटर था, हमने कुछ थोड़ा वो बहुत थोड़ा है। पाँच घंटे के ट्रैक के बाद रात गुजारने के लिए हमें एक डारा मिल ही गया। तो आपको विजिट करवाते हैं, ये डारा होता क्या है? चलिए आज आपको अंदर से विजिट करवाते हैं। ये इसका बेडरूम है जहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। ये सारा बेड है इसका, इस पर आसानी से 6-7 बंदे सो जाते हैं। ठीक है, एक अंदर भी इन्होंने बनाया हुआ अंदर। ये जानवर पालते हैं। ये गर्मियों का मेक शिफ्ट होम है। क्या सर? ये गर्मियों का मेक शिफ्ट होम है इनका। लोगों गर्मियों का लोग ऊपर आ जाते हैं जानवर और अपनी लेकर, और जो वहाँ पे थोड़ी सी प्लेन जगह मिल जाती है कोई कई बार काश्त करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक नई खूबसूरत सुबह का आगाज़ है। अभी हम यहाँ से सोनी सर के लिए निकल रहे हैं। बर्फ़ की तरफ, बर्फ़ की वजह से कोई रास्ता वाजे नहीं है। अभी ड्रोन से कोशिश कर रहे हैं कि डिटेक्ट हो जाए, क्योंकि 2 अल्टरनेट रास्ते बिल्कुल मिक्स हो रहे हैं। तो वही होप के एक अच्छा दिन गुजरेगा और एक अच्छी कन्फिग्रेशन के साथ। आज ये है पोजिशन के सब ने मिल के काम करना है। बारिश कभी हो जाएगा आगे, कभी हो जाएगा, कभी हो जाएगा। ठीक है, आज बोझ भी कम हो गया आपका, कम अज कम 10 से 12 kg या 15 kg वेट कम हो गया। टमी में जो बर्फ है उसे भी निकाल दो, इसको थोड़ा सा बोझ और दे दो। Thank you.
प्लेस है, वेरी स्टीप है। यहाँ से उतरते हुए चूँकि पत्थर है, पत्थर के ऊपर स्नो पड़ी हुई है, तो यहाँ से उतरना यानी कि बगैर रोप के, ये वाकई बहुत एडवेंचरस है। और आई थिंक दैट ये मैंने सबसे इस ट्रैक में सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया इस वजह से। के मुश्किल ट्रैक के बाद हमने रात गुजारने के लिए कुछ और डारे ढूंढ लिए। ये सिरन वैली में हमारी दूसरी नाइट थी। प्रोग्राम के मुताबिक हमारी ये नाइट अलाई में होनी चाहिए थी। चूंकि हम रास्ता भूले, ट्रैक बहुत मुश्किल था, इसलिए मजबूरन ये नाइट भी हमें सिरन में ही गुजारनी पड़ी। हम जितना आगे जाते जा रहे हैं, स्नो लेवल उतना ही बढ़ता जा रहा है। अब तक टीम का हर मेंबर अपनी बारी पे टीम से आगे जाके फ्रेश स्नो में ट्रेल ब्रेक आ रहा है। पोर्टर भी अपनी बारी पे अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, मगर अब मसला ये है कि मंडा के छह से जो चार पोर्टर आए हैं उन्होंने ट्रेल ब्रेक करने से इनकार कर दिया। बात उनकी भी ठीक है, अब इतनी स्नो में 15-20 केजी वेट के साथ चलना वाकई इंतहाई मुश्किल है। अब ये जिम्मेदारी उठाई है अलाई वालों ने, वो वैसे भी फिजिकली बहुत तगड़े हैं। औरंगजेब का वेट मैंने थोड़ा सा कम करवाया है, अब आगे वाला ज्यादा काम वो कर रहे हैं और बाकी टीम के मेंबरान उसका साथ दे रहे हैं।
और आखिरकार हम सुनी गली पहुंच गए। इधर से सुनी सर की समट के लिए मजीद 4 घंटों की जरूरत थी, 3 घंटे वापसी के, यानी कि पूरा एक दिन। चूँकि हम एक नाइट पहले ही एक्स्ट्रा गुजार चुके थे, लोगों की छुट्टियों का मसला था, इसलिए मजनू तौर पर फैसला हुआ कि इधर से ही अलाई के लिए मुड़ा जाए। ये हैं हमारे पोर्टर, आप सबका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं बिलाल, गुजरांवाला ट्रैकर्स के साथ। आज हम बड़ी खूबसूरत और बड़ी चैलेंजिंग सी जगह पे खड़े हैं। स्टार्ट हमने किया था सरन वैली से, सरन वैली को क्रॉस ओवर किया, ये दरमियान में एक रिज है या पास है, उससे हम आगे अलाई की तरफ मुड़ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, फजल है उसकी रात का कि सारा कुछ बड़ी खैर खैरियत से, सब लोग दोस्त सब जो पोर्टर्स थे जो बाइकर्स थे सब ने बहुत अच्छे तरीके से ये सफ़र किया, और अल्लाह ताला का बड़ा करम शामिल हाल रहा है। इस जगह के जो फीलिंग्स हैं वो शायद वो वर्डलेस सूरत हाल हो। यहीं वो रिज है जैसे सुबह हमने हाइक डाउन किया है, और वो मूवीज़ में सिर्फ इस तरह के सीन देखे थे मैंने, तो रियल लाइफ में पहली दफ़ा ही विंटर में इस तरह की चीज़ें की। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, स्पेशली यासीन साहब का एक बहुत अच्छा टूर अरेंज करने पे, टाइमली चीज़ों को मैनेज करने पे, और ख़ास तौर पे बहुत अच्छा खाना खिलाने पे, बहुत शुक्रिया। हाय गाइस, आई एम औरंगजेब फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड दिस टाइम आई वाज विलिंग टू जॉइन गुजरांवाला ट्रैकर्स। द ट्रैक इटसेल्फ वाज वेरी एडवेंचरस एंड वी रियली एंजॉयड इट। वी हैड टू यूज रोप्स ऑन डिफरेंट स्पॉट्स एंड आई रियली एंजॉयड इट। आई हैव नेवर डन दिस काइंड ऑफ ट्रैक इन माय होल लाइफ। तो आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर सो लॉन्ग, इट्स बीन लाइक 6-7 इयर्स, बट इट वाज द बेस्ट ट्रैक्स आई हैव डिड। मेरा नाम दोस्तान है, गंगवाल के रहने वाला है। ये इस रास्ते पे मैं इस टीम के साथ आया, वो बड़ी मुश्किल रास्ता था, साइड वाला रास्ता मेरे से गलत हो गया, वो बहुत अच्छा रास्ता था चंज वाला, लेकिन हम इधर पहुंच गए सोनी की गली। अब इस तरफ गंगवाल की तरफ जाना है, और मुझे बहुत मैं बर्फ वाला इलाके का बंदे हूँ, बर्फ में चलते फिरते थे, लेकिन इसी तरह मज़ा मैंने कभी नहीं देखा है जैसे इस टीम वालों के साथ मैंने देख लिया। मेरा नाम सदाकत हुसैन है, मेरा तालक मनागुशा से है, और मैं ये फर्स्ट टाइम ट्रैक कर रहा हूँ। यह जबल गली से लेकर ये सोनी गली तक हम लोग आए हैं। रास्ता तो बहुत मुश्किल था, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे, हिम्मत से काम लिए, सब लोगों ने, ये हमारे गेस्ट आए हुए हैं, और जो भी नया मेहमान आएगा हम उसके साथ तावन करेंगे। जी, मेरा ताल्लुक अलई वेली गंगवाल से है, मेरा नाम औरंगजेब है। इलाका बड़ा पसंद आ गया, जो भी टीम आएगी उसके साथ भरपूर तावन करेंगे, वेलकम करेंगे। इस वक्त हम तकरीबन 12,000 फुट की बुलंदी पे यहाँ पे मौजूद हैं। एवरी टीम मेम्बर वॉज वेरी गुड और वेरी स्पेक्टेकुलर, उन्होंने अपनी एफर्ट्स किए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। स्पेशली ये रिज जो है इसको क्रॉस करने के लिए, ये कोई आम छोटी गेम नहीं थी, ये बहुत बड़ा जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। ऑन यासीन साहब, ऑन टीम मेंबर्स एंड ऑल द पोर्टर्स आर वेरी वेल विलिंग विद अस, एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द गंगवाल, वी विल रीच ओवर देयर बिफोर द मगरिब इंशाल्लाह।
finally we reach Gangwal after a very tough trek. हम यहाँ से निकलने लगे हैं, ये सारे लोग हमें अलविदा करने के लिए आए हैं, बड़े ये मेहमान नवाज लोग हैं।